ओ कच्ची मच्छी का लुंडा बाजार मजाजन। ये है जी ओ कच्ची मच्छी। हम इस वक्त ओ कच्ची मच्छी में घूम रहे हैं गलियों में। टुन्ना तो हमारे यहाँ बहुत होती है, 4,800 कराची में, 4,800 की है ये। हाँ है, ये ऑक्टोपस है। ये इनका मोतंदाज मार्केट है मेरा ख्याल। क्या बोल रहा है ये? अच्छा, ये लोग भी हमारी तरह कस्टमर को बुलाते हैं। ये टोक्यो शहर है, इसमें टैक्सी ऐसी है, ये देख रहे हैं आप, ये टैक्सियों का डिजाइन है। ये टोक्यो में लोकल बस है। ये लोकल बस है। अब हम जहाँ जाने वो टोक्यो का। ये उबर करीम की तरह की टैक्सी है? जी जी, उबर करीम यानी ऑनलाइन। ऑनलाइन जी 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 बिल्कुल। एक कॉल पे भी आती है, उबर पे भी आती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जब हम जाने वो टोक्यो का महंगा तरीन जगह। अच्छा जी, जहाँ हम जा रहे हैं कह रहे हैं वो टोक्यो की महंगी तरीन, बहुत महंगी तरीन जगह, बल्कि दुनिया की महंगी तरीन जगह है। वहाँ पे एक फुट जगह भी नहीं मिलती बिजनेस करने के लिए। अच्छा। और वहाँ के जो चौक है ना, वो चौक में आपको, चौक में चार तरफ जाते ना, हाँ। उसमें आठ तरफ से लोग आएंगे, क्रॉस में भी जाएंगे और साइडों पे भी जाएंगे। अच्छा। और हर इशारे पे आपको हर तरफ से 200-300 बंद आएंगे, यानी कि आठ जगहों से आप 200-300 जरबे आठ कर दें तो 2,000-3,000 बंद इस तरफ मिलके जाएगा, आमने सामने जाएगा। अच्छा, ये क्या जॉगिंग कर रहे हैं ये लोग? ये जॉगिंग, ये कौन सा टाइम है जॉगिंग का? ये यहाँ पर ये लोग अभी टाइम जो है इनका सारा दिन जो फारिग होते हैं, जब 1:15 बज रहा है यहाँ पे दोपहर का, इन चढ़ाइयों पे ये एक्सरसाइज करते भागते। अच्छा, 1:15 जापान के अपने लोग जो है। अब देखो दोपहर 1:15 बजे। अच्छा, ये जो चढ़ाई है ना, इस पे जॉगिंग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा चढ़ाई है, ये टोक्यो सिटी है। यहाँ एक मैं अजीब बात आपको बताऊं, यहाँ 18 साल के बाद लड़के लड़कियाँ गाड़ियाँ लेके घूम रहे होते हैं। मैं हैरान था, इतने कम उम्र बच्चों के पास गाड़ियाँ कहाँ से आ गईं? तो इनको बैंक से कर्जे पर हर चीज मिल जाती है, हर चीज, ए टू ज़ेड। घर अपना बना लेते हैं ये बैंक से लोन लेकर, सूदी कर्जा, और गाड़ी खरीद लेते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी ये कर्ज में जकड़े रहते हैं। सूद इनका जो पूरी जिंदगी सूद, फिर ये हिल नहीं सकते। सूद इनका 1% है, सूद इतना ज्यादा सूद कम है, लेकिन ये पूरी जिंदगी ये कर्ज में जकड़े रहते हैं, कर्ज में। तो फिर उसी को उतारने में बस इनकी तनख्वाह का अक्सर हिस्सा जो है वो उसी में जाता है। एक एक चौक में हजारों लोग जा रहे आ रहे। मैं इन गलियों में घूमता था। अच्छा अच्छा। और मैं आपको लाइव इनकी जो लाइव वीडियो है ना यहाँ की, इन चौकों की, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप जब भी पाकिस्तान से देख सकते हैं। चले, ग्रीन बत्ती हुई भी है, ग्रीन बत्ती हुई है, लेकिन हमने यहाँ पर गाड़ी पार करनी और पैदल जाने। अच्छा, सही हो गया। देखो, इस्लामी कंट्री में ये फायदा होता है, हर जगह मस्जिदें होती हैं। यहाँ मस्जिदें जरा दूर दूर हैं, तो बोतल साथ लेके चलते हैं वज़ू के लिए। ये मौली साहब यहाँ वज़ू कर रहे हैं, जोहर की नमाज़ हम पढ़ेंगे, वो वहाँ वज़ू कर रहे हैं, वो यहीं के मकामी हैं, इसलिए वो ज़रा किनारे पे बैठ के वज़ू कर रहे हैं। यहाँ हम जमात करेंगे अभी इंशाअल्लाह जोहर की। मुसीबत ये कि हम जमात भूल जाते हैं। ये टोक्यो शहर है। ये जो जैपनीज हैं यहाँ अजान दे रहे हैं, अभी इंशाअल्लाह हम यहाँ जोहर की नमाज पढ़ेंगे। हमने यहाँ जोहर की नमाज पढ़ी है पार्किंग की जगह पे, लेकिन अब हम यहाँ पार्किंग के पैसे देंगे, क्योंकि सेंसर की वजह से ये खुला है। तो अब ये जो है ना, ये बाकायदा पार्किंग के ये साथी पैसे दे रहे हैं यहाँ पे, हमने जगह पार्किंग के तौर पे इस्तेमाल की है, तो ये अच्छी बात है, माशाल्लाह ख़ानदानी हो गया, ख़ानदानी, क्योंकि आपने पार्किंग की जगह यूज़ की है तो आप उसके पैसे देंगे। इस टोक्यो की इस जगह का नाम क्या है? अभी ओकाची मची। ओकाची मची, हाँ जी, ओकाची मची। ये है जी ओकाची मची। हम इस वक्त ओकाची मची में घूम रहे हैं गलियों में। ओकाची मची, जोहर की नमाज पढ़ी है हमने पार्किंग एरिया में, वहाँ पार्किंग के पैसे दे के अब हम ओकाची मची। ओकाची मची, ओकाची मची, नाम याद करना बड़ा मुश्किल है भाई। ये इनका मोतंदाज मार्केट है मेरा ख्याल है। जी जी, यहाँ पर थोड़ा सा
आपको नहीं समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मोतंदाज मार्केट आप बोल के दिखाओ। मोतंदाज मार्केट हाँ जी। जैसे आपके लिए मोतंदाज मार्केट बोलना मुश्किल, से हमारे लिए ओकाची मची याद करना मुश्किल। ओकाची मची नाम बड़े अच्छे अच्छे हैं ये। ये ऊपर क्या जा रहा है इतना जोर से? ट्रेन, लोकल ट्रेनें आपको पता है यूरोप में, चाइना में, जापान में, थाईलैंड में बहुत ज़्यादा हैं, हांगकांग में। हमारे यहाँ भी एक ज़माने में लोकल ट्रेन चलती थी कराची में। अच्छा। बस वंस अपॉन अ टाइम। ये स्टेशन है ट्रेन का। अच्छा, लाल बत्ती सूख बाजार है, बहुत मशहूर है यहाँ पर। आपने अरबी कहाँ सीखी है? ये सूख नहीं सीखा तो नहीं है, उर्दू बहुत कमजोर है, जैपनीज बोलते हैं ये। अच्छा देख लो, 6 मिनट में उधर मस्जिद में है। अच्छा, 6 मिनट के फासले पर मस्जिद है। ओकाची मची चलो। नहीं भाई अभी लाल हुआ है। जल्दी है, पाकिस्तानी है ना, बहुत जल्दी है। जापान में कोई भी नहीं देखते होते ना, फिर भी लाल पे नहीं जाते, कोई भी नहीं देखते हुए फिर भी नहीं जाते। चलो भाई हरा हो गया, रुकते रहता है। ओ कच्ची मची बारबेक्यू गोश्त, ये तो ज्यादातर वही होगा। हलाल तो नहीं होगा, लेकिन हलाल की शॉप्स ही अलग है। हाँ भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में ख्वातीन ना आए, लेडीज ना आए। ओ कच्ची मची ये जूतों की दुकान है, अलग स्टाइल के शूज हैं यहाँ। इधर से 3-4 मिनट के दूर में कैपिटल के स्टेशन है बड़ा, क्वीन स्टेशन। अच्छा, उधर में भी म्यूजियम है ना बड़ा बहुत, ओल्ड म्यूजियम। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? बड़े जबरदस्त मार्केट है जैकेटों की, लुंडा बाजार है ये। अच्छा, ये लुंडा बाजार है, ऐसे समझ लीजिए जापान का लुंडा बाजार है ये। ओह गुड, यहाँ गोरों का इस्तेमाल शुदा माल आता है। हाँ जी, अंग्रेजों का होता न्यू है, लेकिन यानी न्यू माल है लेकिन थोड़ा सस्ता है। बहुत सस्ता है। अच्छा अच्छा, इसलिए इसको लुंडा बाजार कह रहे हैं, मजाजन कह रहे हैं लुंडा बाजार। ओ कच्ची मची का लुंडा बाजार मजाजन। दोपहर से ही पी रहे हैं, दोपहर से ही पीना शुरू कर दिया इन लोगों ने।
छुट्टी की वजह से। आज छुट्टी है क्या? बस ये न्यू ईयर की छुट्टियाँ चल रही है ना, एक दिन बाकी रह गया। और अफ्रीकन भी है यहाँ पे भाई। वो कच्ची मच्छी जी क्या नज़र आना शुरू हो जाएंगे? लोग आना नज़र शुरू हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ मुख्तलिफ मुल्कों के लोग। टोक्यो तो ज़ाहिर है जी टूरिस्ट की एक अच्छा एक दाम बस पैसे कम नहीं कर सकते। शॉप में आप बात कर सकते हैं। अच्छा इन शॉप में बात कर सकते हैं भाई, थोड़ा रेट कम कर लो। सही हो गया। जो अफ्रीकन लोग यहाँ पे दुकानें हाँ करते हैं अफ्रीकन के लोग करते हैं ये तो बिल्कुल बोल्टन मार्केट लग रही है भाई। रश के जुड़िया बाजार लग रहा है रश की वजह से। जुड़िया बाजार लग रहा है ये तो है? फूड मार्केट है, फूड स्ट्रीट। ये देखो चाचा मियाँ सफाई में लगे हुए हैं। ये गवर्नमेंट मुलाजिम है? ये दुकान की महल में होंगे, मेरे ख्याल में दुकान की होंगे। हर वक्त सफाई होती रहती है। क्या मछली की शॉप है ये तो देखते हैं यार अंदर से। मछली की शॉप तो हलाल है ना, ये तो देखनी। अच्छा खाने के अच्छा अच्छा जाए चौकों में हजारों लोग। तो आप मुझे बिल्कुल सही। मैंने जवानी इन गलियों में गुजारी। अच्छा लेकिन अंदर काम नहीं। सही काम नहीं आता था मुझे पसंद नहीं है रोने के लिए। इतवार के दिन ये क्या है? ये रेस्टोरेंट नहीं, ये क्या हो रहा है? ये ऑटो ये जो बता रहे हैं किस तरह खाने की चीज में वो क्या कहते ये इटालियन चीज यहाँ पे करो कि काफी यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है किसी के पास। अच्छा ये इतनी एक्सपेंसिव जगह तो खाना आप का रोक पाएंगे। वाकई बड़ा रश है यहाँ पे। ये देखिए ये कितने लोग गुजर रहे हैं ये देखिए आप उधर। जी 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 लोगों के घर इस तरफ लाइट को भी आ जाए अंदर चेक करें। हर वक्त यहाँ 24 ये ऐसे 12 घंटे यही रहता है दिन में 24 ये बारात के 12 बजे तक होता है। आगे एक चौक है वो दिखाएंगे आपको, उसमें इससे ज्यादा रश है। लेकिन जुड़िया बाजार का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता ये बता दूं मैं। हमारा जो सदर है ना कराची का, उसमें इससे ज्यादा रश होता है। ज्यादा खचा खच कैमरा ऊपर
ये क्या है? मछली। और ये क्या है? ओके। सामोन साइमोन मछली। और ये उसके जो है ना अंडे, साइमोन मछली के अंडे। तो साइमोन की क्या खास बात है? देखो खास मछली है, ज्यादा टेस्टी होती है। अच्छा टुन्ना तो हमारे यहाँ बहुत होती है, 4,800 कराची में, 4,800 की है ये। ये ऑक्टोपस है। चलो धर माल, 2-2 रुपये। ये छोटी मछली है। वाह कितनी तमीज से मछलियाँ कटी हुई हैं, जबरदस्त जबरदस्त। ये यहाँ का हम लोग भी देख लो आप लोग, ये हम लोग नहीं टमाटर है, ये टमाटर कीनू बगैर बीज के होता है। ये क्या है? जैपनीज फल है ना। अच्छा यहाँ ये लोग जो है ना, एक अजीब बात है, अपने घर का दरख्त का फल तोड़ के नहीं खाते, ये थे बताएंगे यहाँ के मकामी। ये लोग अपने घर से दरख्त का फल नहीं खाते जी, बहुत कम खाते। क्यों? बाजार से खरीदते हैं। वजह? खूबसूरती के लिए छोड़ देते हैं। हम तो है नहीं, कह रहे कोई, कह रहे जरासीम का खतरे की वजह से नहीं खाते। घर का जो फल लगा होता है ना, क्यों नहीं खाते? मुझसे पूछ रहे हैं से। वो कहते हैं जरासीम का खतरा है उसमें, बाहर बाजार की जो चीज़ है वो हाइजेनिक होती है। नहीं तो वो जब फल सड़ने लगा दरख्त पे गिर जाता है, जाया हो जाता है, क्यों नहीं खा रहे वो? बस खूबसूरत कैसे लगाते हैं, उन्हें खाने का मकसद नहीं होता। अजीब लोग हैं। हाँ जी अजब सड़े दे जी, माशाल्लाह अजब सड़े दे, अपने घर का दरख्त का फल नहीं खा रहे। इनको पसंद नहीं है जी, पसंद नहीं, पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं है? अपने घर का दरख्त का फल तो हम तो तरसते हैं कि अपने घर की भिंडी हो, अपने घर के फल हो। ये कहते हैं कि उसमें कीड़े वगैरह होते हैं, दवाई वगैरह नहीं डालते। अच्छा ये परिंदे छोड़ देते हैं। कल भी किसी ने बताया कि वो जरासीम वरासीम का मसला भी होता है इनके यहाँ, कुछ जरासीम से बहुत ज़्यादा ये लोग डरते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं और ये ड्राई फ्रूट्स हैं। ये यहाँ का जुड़िया बाजार है, ज़रा तमीज़ वाला जुड़िया बाजार। हमारा थोड़ा सा आड़ा तिरछा है। हाँ इसको क्या हो गया? ये आदमी है, ये आदमी है भाई, औरत बना हुआ है। ये आदमी है, आदमी नहीं भाई, इसको वीडियो नहीं बना रहे। ये आदमी लेडीज बना हुआ है, अजीब पागल आदमी। अच्छा हलाल होता बहुत मजा आता है, हलाल नहीं होता बहुत मजा करता आपको भी। हलाल होता अगर जी जी, हलाल नहीं है तो हम भी खा सकते, लेकिन बहुत मजे के होते। अच्छा तो आपको जब खा नहीं सकते पता कैसे चला मजे के होते? हम भी घर में बनाते हैं। अच्छा हलाल बनाते हैं आप? घर में भी कहते हैं ना, एक डिश है, एक डिश है, हमारा दोस्त बता रहा था ना। हाँ हाँ ये जो है ना जैसे वैसी के जैसे जो है ये रस्म ही होती है। हाँ 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 उसे पता चला वही बात आ जाती है जैसे आपने उसे पता कैसे चला, उसने तो डायरेक्ट खाया था। अच्छा क्या बोल रहा है ये? अच्छा ये लोग भी हमारी तरह कस्टमर को बुलाते हैं, आ जाओ भाई। चेक करेंगे ये? ये क्या है? स्ट्रॉबेरी बेरीज है ना? बेरी बेरी। हाँ जी। और ये ड्रैगन फ्रूट्स लिखा हुआ खाएंगे आप अभी? नहीं अभी नहीं खाऊंगा मैं, कटा हुआ है। हाँ हाँ हाँ
चाइनीज़ ये सारी चाइनीज शॉप है। तरबूज का कीमत, तरबूज कहाँ है? पाकिस्तानी तकरीबन 5,000। अच्छा, एक तरबूज पाकिस्तानी 5,000। हर जगह रश है यार। तुर्की की, हाँ तुर्की का कबाब, कबाब शॉप। Thank you.